तो आज मैं दुकान तो जा रहा था, पर मेरे अंदर एक ही बात चल रही थी कि कैसे भी करके आज स्टेशनरी लेके आना है, क्योंकि स्टेशनरी के बहुत सारे ग्राहक रिटर्न जा रहे हैं। 4-5 दिन से प्लान में कर रहा हूँ, पर जा ही नहीं पा रहा हूँ। दुकान जाओ और वही होता है जिसका डर रहता है भाई। इस तरीके से हम गिराते हैं ग्राहकों से कि शाम तक पता ही नहीं चलता। पर जैसे तैसे आज मैंने टाइम निकाला और अपने साले अंकुर को दुकान पर बिठाया कि हम सबसे पहले निकल जाते हैं बैंक, क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ पेंडिंग काम थे। वहाँ पर इशू का बिल्कुल भी दिमाग नहीं लग रहा था भाई, वो बैठ के बढ़िया सो रही थी। बाकी मैंने बैंक का जो पेंडिंग काम निपटाया और वहीं से हम सीधे निकल जाते भाई स्टेशनरी खजूरी मार्केट। सबसे पहले आते डोम्स के शोरूम पे। यहाँ पे वैरायटी देख के भाई आधी चीज़ें तो मुझे समझ ही नहीं आती, क्योंकि मैं जिस स्कूल से पढ़ा गवर्नमेंट स्कूल से, वहाँ पे पेन पेंसिल शॉपनर इरेजर और उस टाइम पे यही सब चीज़ें चलती थी भाई, ये सब सारी चीज़ें थी नहीं। फिर वहाँ से आ जाते कुछ कलरिंग बुक लेने, क्योंकि इनकी भी आजकल बहुत डिमांड रहती है भाई मार्केट में। हम जब भी जाते हैं इनकी भयंकर डिमांड रहती है, तो ये भी बहुत सारी हम लेके आते हैं। फिर आते हैं लास्ट टाइम, तो हम सारा सामान उठा के एक दुकान पर पहले तो इकट्ठा करते हैं, क्योंकि वहीं से फिर हमें सारा सामान ऑटो में लोड करके वहाँ से निकलना रहता है। तो सारा सामान जैसे हम लोड करते हैं, वहाँ पे ऑटो वालों को मैं कॉल करता हूँ और फिर फटाफट से सारा सामान लेके ऑटो की ओर निकलता हूँ। सारा सामान ऑटो में हम फिट कर देते हैं। वहाँ पे भैया भी हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो हमारी गली वाली है, तो हम हमेशा उन्हीं को कॉल कर देते हैं। तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी और मैंने बोला भाई आज ऑटो मुझे चलाने दो। तो मैंने ऐसे ही जस्ट ट्राई करा थोड़ी दूर वहाँ पर बैठ के ऑटो में, पर वो नहीं हुआ मुझसे। तो गाइज आज है मंडे और सुबह के बज रहे 10। अभी मैं दुकान आ गया और ये आ गया है अंकुर इधर। हाँ ये अंकुर आ गया है और आज हम सब लोगों का टारगेट है भाई, जो कल हम स्टेशनरी रुके इस हालत में अभी कुछ है तो पूरी दुकान को साफ करना है और पूरा इसको यहाँ पे जमाना है। गाइज कुछ इस टाइप से बहुत सारी पेटियाँ बन के आती है, जिसमें कि फिर हमको यहाँ पे क्रॉस चेक करना पड़ता है कि भाई जो माल हमने वहाँ पे लिया वो यहाँ निकल रहा है नहीं। जैसे कि इसमें सारे मैक्सिमम पेन है और डोम्स का मैक्सिमम माल इसी बॉक्स में, क्योंकि ये डोम्स की शॉप से लाए थे। तो अभी हमारे टाइम में तो इतना सारी चीज़ें होती नहीं, अब आपको बताता हूँ। जैसे कि ये एक इरेजर है, कार वाले इरेजर, ये आप देख सकते हो कार, और बहुत सारी यूनिक यूनिक चीज़ें डोम्स में। जितनी बार भी हम जाते हैं ना खरीदी करने, कुछ ना कुछ तो वहाँ पर नया निकलते ही रहता है। जैसे कि मैं और कुछ बताता हूँ, ये देखो इसका पेंटोनिक का एक पेन का सेट है, अगर आपको कहीं पे गिफ्ट करना हो, सेलिब्रेशन वगैरह बर्थडे वगैरह हो कहीं पे, तो इस टाइम में आप देख सकते हो। फिर ये डोम्स के, ये तो पेंसिल वगैरह है तो आप सबको पता ही होगा। इसमें मतलब ये नई तरह की इन्होंने अभी पेंसिल निकाल दी है, सुपर डार्क। तो बात ये है, ये देखो सुबह हम लोगों ने सुबह डिसाइड करा था कि मैं ऑनलाइन का मतलब मैं इधर पे काम करूंगा और ये दोनों स्टेशनरी जमाएंगे। फिर शाम में सारा काम फिनिश हो गया दोनों का। अब ये बोल रहे हैं कि आपने दिन भर कुछ नहीं किया, हम अब जो पेंडिंग काम है ये दोनों नहीं कर रहे और मेरे से करवा रहे हैं। तो ये अपना मुंह छुपा रहे हैं। ये देखो कहता नहीं है। तो आखिरकार हम लोगों ने स्टेशनरी ठीक तरीके से जमा ली, आप देख सकते हो कॉपियाँ वगैरह जितना भी था। अब आपका एक सवाल हमेशा होगा कि भाई इतनी छोटी स्टेशनरी इतनी कम रेंज, तो इसलिए क्योंकि हमारी जो स्टेशनरी है उस पर हमारी ऑनलाइन का सिर्फ 5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और वो भी हमने इसलिए रखे क्योंकि हमारे पास स्पेस बच रहा था कुछ खाली, इसलिए हमने स्टेशनरी लिया। कुछ प्लान में नहीं था कि हमको स्टेशनरी रखना है ये वो, बाकी हमारा ऑनलाइन का इतने में 2-3 सिस्टम, बाकी मशीनें 2-3 प्रिंटर है, इतने में ऑनलाइन का काम आराम से हमारा हो जाता था। तो हमारा स्पेशली का इंटरव्यू इतना, बाकी अभी कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती है, फिर भी हमने बहुत कुछ यहाँ पे रखा है, जो भी एक यूजेबल चीज़ें हैं जो कि आपको लगती है डेली यूज में बच्चों को, वो काफ़ी चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे नुकसान भी बहुत होता है भाई, ये देखो पेन का पूरा बॉक्स। अभी ये जो पेन है ना, ये सब हम कल देखेंगे, ये ऐसे ही पड़े अभी तक बिक ही नहीं रहे, बाकी पैकेट पैकेट बिकते हैं। अब इसमें देखना है कौन से बॉल पेन है, कौन से जेल पेन है, वो निकालना है। कम से कम 1,000 पेन तो उसके अंदर पड़े होंगे। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में। आज हम लोग जल्दी निकल रहे हैं, अभी शायद 9 बज रहे हैं, छुट्टी 10 बज गए तो हम लोग निकल रहे हैं। बाय।